एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेन्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं जंगल में। और तो बने रहिएगा मेरे साथ टिल एंड। बहुत ही सारा एक्साइटिंग व्यूज़ है, सभी कुछ आपसे शेयर करूँगी। सभी लोग अपने घर से थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ बना के ला रहे हैं और क्या क्या बना के ला रहे हैं सभी कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग गाड़ी में बैठे हैं साथ में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 100 और मेरा फेसबुक पेज है सेन्स नेस्ट। मैं भी कुछ बना के ले गई थी और मैंने बनाया था चूड़ा फ्राई किया था। तो मैंने चूड़ा किस तरह से फ्राई किया जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसमें मैं ऐड करूँगी काजू, बादाम, अखरोट, ये सब मैं ऐड करूँगी। बादाम और ग्रीन चिलीज़ को भी मैं कट करके रखी हूँ। तो जल्दी से आपको बता देती हूँ, चूड़ा को ऐसे मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। जब अच्छे से चूड़ा रोस्ट हो जाता है उसे अलग निकाल के रख लें। और उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। बादाम थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ही उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देती हूँ और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। ड्राई फ्रूट्स फ्राई होने के बाद उसमें मैंने कड़ी पत्ता और ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड कर दिया। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर थोड़ा कलर आने के लिए। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चूड़ा को। इसमें और थोड़ा सा मसाला ऐड करें। मैंने सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ में भुना हुआ जीरा मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। और चाट मसाला भी ज़रूर ऐड करें। सारी चूड़ा को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली। और आपका चूड़ा फ्राई रेडी है। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी चूड़ा फ्राई। और फिर मैं सारी चीज़ों को पिकनिक बैग में डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल कप्स एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स और साथ में पानी का बॉटल, और फिर चाय भी बना के मैं डालूँगी फ्लास्क में। और साथ में मैं चूड़ा ले रही हूँ और बैठने के लिए चटाई भी ले रही हूँ पिकनिक के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आइटम है। तो सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर रही हूँ फटाफट। चाय भी बना के मैं डाल दी और मेरा बिल्कुल तैयार है पिकनिक बैग, चटाई, और हम लोग निकल पड़े। और ये देखिए जंगल के रास्ते में चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है। और हम लोग एक स्पॉट पे पहुंच गए। बहुत ही अच्छा पानी था और सब मस्ती करने लगे। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए और आ जाइए हमारे साथ मस्ती करने के लिए। काफ़ी अच्छा व्यू था। बहुत ही घना जंगल है चारों तरफ और पानी भी बह रहा है नदी में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग तो सब पानी में गए और खूब मस्ती किए। यहाँ पे फोटो खिंचवाने के बाद और मस्ती करने के बाद हम लोग अभी दूसरे स्पॉट पे जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ भटक गए थे, इसलिए ओरिजिनल जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे अभी हम आप लोग को मैं लेके चलूँगी। वो और भी ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ का। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गांव वाले हैं सब लोग देख रहे थे घेर के कि ये लोग कर क्या रही है। हम लोग इतना फ़ोटो खिंचवाए और इतना वीडियो बनाए। तो चलिए अब थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाए, गला बिल्कुल सूख गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, स्प्राइट। आप लोग भी आइए, एंजॉय करेंगे। आप लोग भी आइए। और है भाभी थोड़ा-थोड़ा ले लो। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ ये ब्लॉग को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग मैं शेयर करूँगी रेस्ट ऑफ द पिकनिक और हम लोग कहाँ जाते हैं, वो स्पॉट कैसा है और कितना सुंदर है और वहाँ पे हम लोग क्या क्या मस्ती कर रहे हैं। ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग आप देख सकते हो, तो मैं बने रहिएगा मेरे साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।